बावलोग 2024 ये साल सिक्वल्स के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बैक टू बैक हमने तीन सिक्वल्स देखे जिनको सिर्फ क्रिटिसिज्म ही मिला है। फर्स्ट मिर्जापुर 3, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, सेकंड हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2, उसके बारे में भी बात कर चुके हैं, एंड थर्ड था रिंग्स ऑफ पावर सीजन 2। ये तो और भी ज्यादा ढीला है बाबा। तो आज बात करेंगे द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 2 क्यों लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पा रहा है, जबकि फर्स्ट सीजन में सभी के होश उड़ गए थे। तो बाबा पहले सीजन की अगर ब्रीफली बात करें तो सीजन 1 में जो स्टोरी थी वो बहुत फास्टली निकली और ढेर सारे एक्शन कॉम्बैट सीन देखने को मिले। दूसरे, इसके विजुअल्स ने और इसके सीजीआई इफेक्ट ने पहले ही लोगों के दिल जीत लिया था, क्योंकि ऐसा कॉन्टेंट हमने लास्ट टाइम हॉबिट मूवी में ही देखा था, जो लोगों को फ्रेशली फील हुआ और मजा भी आया। उसके बाद शुरू से ही ग्लैडियल का एडवेंचर ट्रिप फॉर कैप्चर दी सौरन, वो भी जमदार था, और हेलब्रेंड का मिस्टीरियस रहना, उसके बाद ग्लैडियल का न्यूमिनोर को वॉर के लिए कन्विंस करना, न्यूमिनोरियंस को साउथ लैंड्स पर ऑक्स से लड़ने के लिए, दूसरी तरफ एरोंडीर का अकेले ही ऑक्स और अडार के खिलाफ फाइन स्किल के साथ लड़ना, देन खाजा दूम में बैलरॉक्स का इंट्रोडक्शन जो सबसे ज्यादा हिट करके गया था फर्स्ट सीजन को, और मेन था इसका एक्शन कॉम्बैट जो हमें फर्स्ट सीजन पर लगातार देखने को मिल रहा था, जिसने लोगों को बहुत हद तक जोड़ के भी रखा, और यही इसका सुपर मिंट था। और जहां पर फर्स्ट सीजन छोड़ा गया था, लोगों ने बहुत एक्सपेक्ट करा कि सीजन 2 से जो अभी तक वो मिंट फ्रेशली डिलीवर नहीं कर पाए हैं मेकर्स, जबकि बहुत उम्मीद थी, क्योंकि सीजन 2 पर अभी तक यानी 6th एपिसोड तक सिर्फ बिल्डअप ही बिल्डअप चल रहा है, जबकि मेकर्स को कुछ हद तक बिल्डअप पर कम और प्लॉट अनवीलिंग पर ज्यादा काम करना था। मतलब जो चीजें जल्दी खत्म हो सकती थी, जो चीजें जल्दी हो सकती थी, वो चीजें सिर्फ जबरदस्ती खींचने का काम करा मेकर्स ने अभी तक, यानी 6th एपिसोड तक, और यही स्टोरी का ढीलापन लोगों को बोर भी कर रहा है, दूसरा शो से भी ज्यादा ध्यान उनका हटा रहा है, और स्टोरी का हर पार्ट पर ढीलापन ही है। चाहे लिंडन ले लो, वहां अलग ही पॉलिटिक्स चल रही है, नोमिनोर में तो कहानी ही रद्दी कर दी, बस 6th एपिसोड में ही मजा आया जब वो ट्रायल वाला सीन सीक्वेंस हुआ और वो बगावत वाला मिंट, बस वही दमदार था। उधर रूम में स्टार वाले पार्ट से सभी को बहुत उम्मीद है, लेकिन उसे मेकर्स यूं ही भटकाए जा रहे हैं। 4th एपिसोड में तो टॉम बॉम्बार्डिल की एंट्री के बाद लगा कि भाई अब मजा आने वाला है, यानी कुछ पावर कंट्रोल करना सिखाएगा, वहां पर थोड़ा सा मामला अलग देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पर भी ढीलापन ही है, यानी स्टार और रूम का पार्ट को कम थोड़ा कर सकते थे मेकर्स और यहां पर कुछ नया मिंट ला सकते थे। खाजा दूम में भी कहानी ढीली ही कर रखी है। 5th एपिसोड में वो एंशियंट क्रिएचर की आवाज़ ने थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाया लोगों का कि शायद बैलरॉक की एक झलक हमें किसी भी एपिसोड में देखने को मिल जाए, यानी 5th या 6th एपिसोड में, लेकिन वो भी ढीला ही कर रखा है, उसे भी मिस्ट्री में ही रख रखा है। लेकिन हाँ, एरेगियन की बात करें तो भाई एरेगियन में कहानी दमदार चल रही है। सौरन का पार्ट औसम चल रहा है, जो कैलिब्रिम्बोर को बुरी तरीके से तबाह कर रहा है, ना कि हेल्थ से बल्कि वेल्थ से भी। दूसरा, रिंग पहनने के बाद किंग ड्यूरिन के पार्ट भी जबरदस्त हुआ है, उसका वो टायरेंट बिहेवियर लुक्स ऑसम। बाकी भाई देखो, परसों 7th एपिसोड ड्रॉप आउट हो जाएगा, यानी 26th ऑफ सितंबर को, कुछ नया मिलता है या नहीं, वैसे उम्मीद तो है, क्योंकि जहां 6th एपिसोड में छोड़ा है बहुत ही क्रिटिकल एंड वल्नरेबल पॉइंट है वो, जो आइस ब्रेक कर सकता है, वही मिंट जो लोगों को चाहिए था वो मिल सकता है, क्योंकि वो प्रॉमिसिंग है, प्रॉमिसिंग एंडिंग थी। और भाई एरेगियन की तबाही तो निश्चित है, और लोगों को फिर से मजा भी आने वाला है, इतनी तो उम्मीद है, क्योंकि वही मिंट जो फर्स्ट सीजन में हमें मिला था, एक्शन कॉम्बैट एंड रूथफुल बैटल्स, ये सारा मामला देखने को मिलने ही वाला है, क्योंकि ऑक्स ने बाबा हमला कर दिया। दूसरी तरफ एलेंडिल क्या मना लेगा गिलगैलेड को एरेगियन लाने के लिए या नहीं, मे बी एल्स आर्मी आ सकती है एरेगियन को डिफेंड करने के लिए। दूसरी तरफ एरोंडीर भी पहुंच चुका है, तो देखते हैं बाबा, एपिसोड 7 के हाथ में ही है, इस पूरे सीजन 2 की लाज बचा पाता है या नहीं। ये धमाका काट के गया तो लोगों का इंटरेस्ट दोबारा जग जाएगा इस वेब शो के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के लिए अभी भी प्यार है, बस मेकर्स को उसे किसी भी तरह की सूझबूझ से जगाना है। और प्यार हो भी क्यों ना बाबा, क्योंकि बचपना गुजरा है हमारा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी सीरीज के साथ। खैर, मुझे तो बहुत उम्मीद है कि 7th एपिसोड के बाद कहानी पलटने वाली है और पूरे शो में मजा आने वाला है। तुम्हारी क्या राय है, और भी तुम्हारी तरफ से क्या पिटफॉल पॉइंट हो सकते हैं जो इस सीजन 2 को बहुत ज़्यादा ढीला कर रहे हैं, और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं मेकर्स भाई, जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स। और बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक ज़रूर करो बाबा, क्योंकि इससे इंस्पिरेशन मिलता है, ताकि और भी ज़्यादा डिटेलिंग पे अच्छी मेहनत करने का मन करता है। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।